हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बॉटनी की। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने एंटीबॉडी और एंटीजेंस के बारे में डिस्कस किया था और उसकी जो स्पेसिफिक साइट होती हैं एपिटोप एंड पैराटोप उसको डिस्कस किया था। तो अभी हम करेंगे डिस्कशन अबाउट मोनोक्लोनल एंटी जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ है उनके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की, कैसे किस तरीके से ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। सो लेट्स सी। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ अ सिंगल बी लिम्फोसाइट क्लोन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जो बी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उनसे जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। होमोजीनियस होती हैं, यानी कि होमोजीनियस का मतलब क्या है, एंटीजन की स्पेसिफिसिटी होती है और एफिनिटी होगी आइसोटाइप होंगे, यानी कि सेम टाइप का होगा और जो एंटीजन जो है सॉरी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन से बाइंड करेंगी तो उनकी स्पेसिफिक जो है एफिनिटी होगी, जिससे वो आपस में क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन ह्यूमन बॉडी ओनली अंडर पैथोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस, यानी कि बेसिकली ये जो है ह्यूमन बॉडी में बनती हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो भी तब बनती हैं जब कोई डिजीज़ कॉज हुई है, कोई पैथोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस है। फॉर एग्जांपल गैमोपैथी जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब है मेलाइन ग्रोथ ऑफ अ सर्टेन प्लाज्मा सेल्स क्लोन, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी कि एक सिंगल क्लोन होता है। अभी हम डायग्राम से डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देयर एडवांटेजेस वर्सेस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का अगर हम देखें एडवांटेजेस देखें तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ऑफ द गिवन स्पेसिफिसिटी एंड आइसोटोप कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। तो एंटीबॉडीज़ की क्या होती है, एंटीजन के लिए स्पेसिफिसिटी होती है और आइसोटोप जो है वो लार्ज नंबर में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं क्योंकि सेम जो है एंटीबॉडी जो है एंटीजन से बाइंड करेंगे और सेम क्वालिटी होती है। नेक्स्ट आता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी सेम जो है वो बी सेल के जो लीनिएजेस होते हैं, राइट, जो बी सेल के लीनिएजेस होते हैं उससे जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। दे आर अ कलेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसका कलेक्शन होता है, मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो रिएक्ट करती हैं, ईच आइडेंटिफाइंग अ डिफरेंट एपिटोप। यानी कि इसमें क्या होता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में कि हर एंटीबॉडी के पास क्या होता है, एक डिफरेंट एपिटोप होता है, राइट। एपिटोप का मतलब आई होप कि आप समझ चुके हैं, एंटीबॉडी की वो स्पेसिफिक साइट होती है जो कि एंटीजन से बाइंड करती है, राइट। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो मोनोक्लोनल में आप देखोगे कि जो ये एक टाइप की जो एंटीबॉडी बन रही है ऐसे ही क्या होगी, सेम टाइप का, यानी कि इनके क्लोन होंगे, इनकी जैसी एंटीबॉडी होगी जो एक टाइप की एंटीबॉडी से क्या करेगी, एंटीजन से बाइंड करती है एंटीबॉडीज़। जबकि अगर हम पॉलीक्लोनल में देखें तो बहुत सारे क्लोन होंगे, वो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्लोन है, राइट, और वो क्या करेंगे, एंटीजन से बाइंड करेंगे डिफरेंट क्लोन, यानी कि पॉलीक्लोन्स जिसे हम कहते हैं। तो मोनोक्लोन मतलब एक ही टाइप के, यानी कि आइडेंटिकल भी हम कह सकते हैं, इस तरीके के सेम क्लोन होंगे, और जबकि पॉलीक्लोनल में बहुत सारी जो हैं पॉलीक्लोन्स जो है प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज़ के। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो एडवांटेजेस में ये ईजी होते हैं, चीप होते हैं और क्विक इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। और जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ है हेट्रोजीनियस होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये था होमोजीनियस भी हम उसको कह सकते हैं, एक जैसे, दीज आर हेट्रोजीनियस, आप देख सकते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बाइंड टू वाइड रेंज ऑफ एंटीजन एपिटोप्स। तो यानी कि क्या होगा कि अगर इसके इस तरीके से पॉलीक्लोन्स हैं और हेट्रोजीनियस हैं तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो एंटीजन है उनके साथ बाइंडिंग जो है शो करेंगे वाइड रेंज में, एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज में ही नहीं वाइड रेंज में। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैन बी मेड इन लार्ज क्वांटिटीज़, यानी कि इस तरीके की जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जो बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में ही क्या होती हैं, बनती हैं बेसिकली, ठीक है। और इसके जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है तो वो बेसिकली होता है बाय यूजिंग हाइब्रिडोमा लेबोरेटरी में, लेट मी इरेज इट, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी देख लेंगे।
तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, राइट। इसको हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया है मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो मैं डिफरेंस दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस लेके आ जाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।